देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। हालिया कुछ वक्त से देश में खूब सियासी हलचल देखी जा रही है, खूब हैपनिंग है, खूब गहमा गहमी है। ऑपोजिशन और सरकार के बीच डू और डाई का मैच होने को है, लेकिन इन सबको गहराई से देखा जाए तो हम और आप कहाँ हैं? सियासत तो अस्थिर होते हुए भी स्थिर है। कहानी जहां से शुरू हुई वही पॉज है, सरकार के वही डायलॉग है, वही स्क्रिप्ट है, ऑपोजिशन के भी वही डायलॉग है, वही स्क्रिप्ट है, सब रटा रटाया। लेकिन अखबार पलटे जा रहे हैं, लेकिन हर पन्ने पर वही कहानी है। क्या इसकी सरकार हो, क्या उसकी सरकार, सवाल है कि क्या नक्शा बदला, क्या कहानी बदली। जनता तुम हो क्या? आज दिन अखबार में किसी दूसरे पन्ने में छप जाते हो। देखो ऑक्सीजन ना मिलने से इतने लोगों की मौत हुई, उतनों की मौत हुई। देखो गंदा पानी पीने के चलते इतने लोगों की मौत हो गई। देखो मानकों का पालन ना करने के चलते फलानी बिल्डिंग में आग लगी और इतनों की मौत हो गई। देखो अस्पताल में डॉक्टर नहीं था तो इतनों की मौत हो गई। देखो सरेआम माफियाओं ने, गुंडों ने उसको गोली मार दी, इसको गोली मार दी और इतनों की मौत हो गई। देखो सड़क हादसों में इतनों की मौत हो गई। लेकिन हां, अखबार का पहला पन्ना रिजर्व, वहां सिर्फ मोदी जी, ममता दीदी, सोनिया मैडम, राहुल बाबा, अखिलेश भैया, मायावती जी, उद्धव साहब जैसे सरीखे लोग जाते हैं और छाते हैं। आप झूठ का छाता पकड़े मजबूरी की बारिश में लोकतंत्र के नाम की रपटती सड़क पर यूं ही फिसलते रहिए। और टीबी, माफ कीजिएगा, टीबी आपकी बीवी नहीं है जो आपका भला चाहेगी। यहां दिलचस्पी के साथ सिर्फ सियासी पंडाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरमार, ट्विटर पर सियासी धुरंधरों की धुआंधार और एक दर्जन खिड़कियों पर एक दर्जन आवाजें सवार रहती हैं, दिखाई देती हैं और सुनाई रहती हैं, जो आपकी आवाज दबा रहे हैं। दरअसल आज एक छोटी और एक बहुत बड़ी घटना हुई। घटना है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लाशों का ढेर लग गया है, कटे फटे सब यहां वहां फिके पड़े हैं। बाराबंकी में एक सड़क हादसा हुआ और 18 लोगों की मौत हो गई। अब यही एक घटना उनके परिवारों के लिए जिंदगी भर का दुख है, बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अखबार वालों के लिए महज खबर है, सरकार के लिए आंकड़ा और मुआवजे की टेंशन है। साल 2019 में देश भर में लगभग 4.5 लाख सड़क हादसे हुए और इन दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और हर साल लगभग 1.5 लाख लोग ही सड़क हादसों में मारे जाते हैं। और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हमारा देश नंबर एक की पोजीशन पर विराजमान है कई दशकों से। तो सवाल है कि क्या सड़क हादसे प्राकृतिक आपदा है? क्या इसका कोई इलाज नहीं? सब कुछ है, सॉल्यूशन समस्या है आप, जिन्होंने इन घटनाओं को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। मसलन आज की घटना ही ले लीजिए, जिनके घर का कोई भी इस घटना में मौजूद नहीं था, जिसकी मृत्यु नहीं हुई, इस घटना में जो शामिल नहीं था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। कोई नहीं जानना चाहता कि घटना हुई कैसे और ये घटनाएं होती क्यों है। बीते महीने कानपुर में 17 लोग मारे गए थे, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, और ऐसे ही आगे भी मारे जाते रहेंगे क्योंकि सड़कें सकरी हैं, लोग बेलगाम, वाहनों की हालत खस्ता हाल, ट्रैफिक ज्यादा है, सड़क सुरक्षा की कोई नीति नहीं, बस झुनझुना है जिसका नाम मुआवजा है। फिलहाल के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आमने सामने को सोया आदमी था, नहीं भाग पाया। जिंदगियों को निगलती इन सड़कों पर जगह जगह यमराज लिख देना चाहिए, दूरी बताते इन पत्थरों पर अंकों की जगह आखिरी रास्ता लिख देना चाहिए, इन घटनाओं पर मुआवजा बांटते नेताओं की तारीफ करती शक्लों पर जनता का तमाचा होना चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस सिर्फ वर्दी वालों को नहीं बल्कि हर उस समझदार को होना चाहिए जो सड़क पर नियमों को कानून से पहले सुरक्षा के मानक मानता है। कुछ ना समझो, कुछ गैर इंसानी लोगों की वजह से साल भर में हजारों लोगों की जान चली जाती है और सरकारें उफ तक नहीं करती। कोई संसद हंगामे में दबी आवाज में ये क्यों नहीं सुनती कि हम इन घटनाओं में ताजपोशी कराए क्यों बैठे हैं, क्यों हम सड़क दुर्घटनाओं के मामले में शिखर पर हैं, और ये शिखर शर्म की चोटी है। मंगलवार देर रात हरियाणा के अंबाला से धान की रोपाई कर विहार वापस लौट रहे 18 यात्रियों की बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में मौत हुई थी, जबकि 19 अन्य यात्री घायल हो गए। दरअसल कल्याण नदी के पुल पर खड़ी खराब बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी।
इसकी वजह से बस के आगे सड़क किनारे सो रहे यात्रियों को कुचलते हुए बस आगे बढ़ गई थी, जिससे 18 यात्रियों की मौत हो गई और 19 यात्री घायल हो गए थे। बस थोड़ा सा बाबूजी खराब हो गया था। अच्छा। बस से हम लोग उतर गए थे, उतरने के बाद थोड़ा आगे जाके हम लोग बैठ गए थे, कोई खाना खा रहा था, कोई पानी पी रहा था, कोई सो गया था जी। पीछे से बाबूजी ट्रक आया, धक्का मार दिया, ट्रक और बस दोनों चल दिया, आमने सामने हुआ। वहाँ पर कोई सोया आदमी था, नहीं भाग पाया, इसलिए मर गया। अच्छा, कितने लोग सो रहे थे? पूरे के पूरे सारे उधर के खाना, कोई इधर बैठ रहा था, कोई उधर बैठ रहा था। लेकिन बस से सब उतर आए थे नीचे? हाँ जी, बस से सारे नीचे उतर आए थे। नीचे उतर रहे थे, कुछ ऊपर में भी था बैठा था। बारिश बहुत तेज हो गई है? बारिश बहुत तेज हो रही थी। मामले की जानकारी देते हुए बाराबंकी SP यमुना प्रसाद ने बताया है कि ARTO की तहरीर पर NHAI के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के सभी तत्वों की जांच की जा रही है, इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विषय है NHAI की गाइडलाइन में है कि वो हाईवे पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी और क्रेन की उपलब्धता होनी चाहिए थी। एक्सीडेंट के बाद क्रेन भी समय से नहीं पहुंच पाया था और ये सारी जांच का विषय है। पूरा प्रकरण की गहनता से जांच होगी। ARTO महोदय ने इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। उनमें उन तथ्यों का प्राथमिक रूप से उल्लेख किया गया और गहनता से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जहाँ जहाँ लेकनेस रही है जिस भी पक्षों की उसको गाइडलाइन में शामिल किया जाएगा, दोबारा दूर किया जाएगा और कार्रवाई भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें रिफ्लेक्टर होना चाहिए था, डायवर्जन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं जो आएंगी इसमें जांच में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएंगी, तो उसको उस तरीके से लिया जाएगा और भविष्य में उसकी सावधानी भी बरती जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा कि ये वाहन जो है वो हरियाणा से चला था। ये सारे मजदूर हरियाणा में काम करते थे, अपने परिवार के साथ वहाँ से चले थे। बताया जा रहा है कि शुरू में वो 3 बसों में थे, फिर किसी कारण से उनको हरियाणा में ही 3 बसों के सवारियों को एक ही बस में जो है डाल दिया गया, जिससे कि ओवरलोडिंग हो गई और वहाँ से लेके वो बस चलती आई और यहाँ तक आई और उसका एक्सल टूट गया, कदाचित शायद ओवरलोडिंग के कारण। उस दिन बारिश भी बहुत हो रही थी, तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं। इसमें जैसा मैंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग का भी दायित्व बनता है सभी विभागों का कि हम लोग कोशिश करें कि अपने सर्विलांस और मॉनिटरिंग NH पे और बाकी सड़कों पे उसको और सुदृढ़ करें, ताकि इस प्रकार के दर्दनाक हादसे को प्रयास करें कि हम लोग दोबारा ना हो पाए। ARTO राहुल श्रीवास्तव ने तहरीर में आरोप लगाया है कि लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बस खराब होने के बाद 4 घंटे तक कल्याणी नदी के पुल पर ही खड़ी रही। NHAI के टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ना तो पेट्रोलिंग की ना ही कोई मदद पहुंचाई। अगर समय से बस को पुल से हटा दिया गया होता तो हादसे से बचा जा सकता था। ARTO की तहरीर पर रामस्नेही घाट पुलिस ने FIR दर्ज की है। ARTO ने डबल डेकर बस के मालिक को संख्या से अधिक यात्रियों को बस में भरे जाने का दोषी भी पाया है। उन्होंने कहा है कि बस में क्षमता से अधिक यात्री होने की वजह से एक्सल टूटा, साथ ही ट्रक चालकों को भी दोषी पाया गया है। कल की दुर्घटना जो एक्सीडेंट हुआ था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, उसमें 18 लोगों की जान चली गई और लगभग 19 लोग घायल हुए। उसके संदर्भ में परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आयुक्त द्वारा जो है उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ श्री निर्मल प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो कल दिन भर यहाँ पर रहे और दुर्घटना में घटित समस्त बिंदुओं को लेते हुए जाँच की। अब जाँच शासन स्तर पर भेजी जानी है और फिर भी परिवहन विभाग के हमारे यहाँ जो लोकल स्तर पर हम लोग अधिकारीगण थे, सब ने मिल करके जो भी यात्री दुर्घटना में घायल होने से जो घायल थे उनको हॉस्पिटलों तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पहुंचाया गया और जो लोग बचे हुए थे सुरक्षित यात्री थे उनको उनके गंतव्य तक सबको रामसनी घाट में बालिका विद्यालय में रुकवाया गया। उनको खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई, फिर उनके बाद सकुशल बसें करके उनके उनके गंतव्य स्थानों तक पहुँचाया। फिर उसके बाद जो यात्रीगण मृत हो गए थे उनके लिए परिवहन विभाग द्वारा एम्बुलेंस और पुलिस विभाग द्वारा एस्कॉर्ट यानी कि सस सम्मान उनको उनके गांव तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था अमल में आई है। इसमें पुलिस विभाग के और परिवहन विभाग के लोगों ने पूरा एकजुटता के साथ काम किया। तो ठीक है, इसने उस पर मुकदमा किया, उसने उस पर मुकदमा किया। दर्शकों, ये वही बात है कि आप किसी सरकारी कार्यालय में जाएं,
तो एक नंबर खिड़की वाला चार पर जाने को कहेगा, चार वाला एक नंबर खिड़की पर जाने को कहेगा, लेकिन उन 18 लोगों के परिवार वाले किस पर मुकदमा करें? सवाल, उन 18 लोग जिनकी मौत हो गई है उनके परिवार वाले किस पर मुकदमा? बस वाले पर जिसने औकात से ज्यादा सवारियां भर ली, जिसके चलते शायद एक्सल टूटा और बस को बीच रास्ते खड़ा कर ड्राइवर कंडक्टर चले गए। उस ट्रक वाले पर कि जिसने पीछे से टक्कर मार दी। उन पुलिस वालों पर कि जिन्होंने रास्ते भर खचाखच भरी इस बस को जाने दिया। उस सड़क वाले पर कि जिसने इतनी सकरी सड़कें बनाई। उस ठेकेदार पर कि जिसने कम रोशनी वाली लाइटें लगवाई। हरियाणा से लेकर बिहार तक के बीच ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वालों पर, सरकार पर, प्रशासन पर, आखिर किस पर, किस पर मुकदमा करें? भगवान पर मुकदमा करें कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि यह घटना हो गई? ऐसी टाइमिंग सेट कर दी भगवान ने कि बस खड़ी थी, पीछे से ट्रक आया और घटना हो गई, तो किस पर मुकदमा करें? फिलहाल दुर्घटना हुई है तो मुआवजे की भी घोषणा हो गई है और अब जांच की ड्रामेबाजी शुरू हुई है, जिसमें हर बार की तरह लापरवाहियों की नई नई कहानियां सामने आई हैं। आप इसको समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बाराबंकी बस हादसे में 18 लोगों की मौत का कारण बनने वाली बस की परत दर परत कमियां खुलती जा रही हैं। यह बस यूपी के रामपुर जिले में रजिस्टर्ड थी और इसी वर्ष रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर सीवान जिले में हुआ था। इस बस की सबसे बड़ी कमी यह थी, इसका परमिट इसी वर्ष फरवरी माह में समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद यह बस एक राज्य से दूसरे राज्य की सड़कों पर फर्राटा भरती रही। जांच में इसकी कमियों की कड़ी खुलती जा रही है। विभाग की जांच में जब इसकी कमियों का खुलासा हुआ तो सबकी आंखें खुली रह गईं। जांच में जो सामने आया उसमें सबसे जरूरी बात यह थी कि इस बस का अब तक 32 बार चालान हो चुका है, जिसमें से एक चालान पिछले साल बाराबंकी में भी हुआ था। साथ ही इस बस का परमिट 5 महीने पहले यानी 24 फरवरी 2021 में ही खत्म हो चुका था। इसके बावजूद यह बस राज्य दर राज्य हाईवे पर फर्राटा भर रही थी। 1 अक्टूबर 2014 में इस बस का रजिस्ट्रेशन यूपी के रामपुर जिले से हुआ था, जिसे बाद में इसी वर्ष 21 मार्च 2021 में बिहार के सिवान में इसका ट्रांसफर करा लिया गया। यह बस मूलतः बिहार के सिवान में रजिस्टर्ड हुई थी, जबकि इसका मालिक महाराजगंज जिले का रहने वाला था। इस बस का नंबर UP22T7918 है। अभी जांच जारी है और ना जाने कितने पेच इस बस के संचालन में सामने आएंगे। हेलमेट जब तक यूपी में था तो उसका हम लोग वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, तो 21 फरवरी 2021 तक उसकी वैलिडिटी है जी। और गाड़ी फिर उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हो गया जी। तो आगे वो बिहार में अप्लाई किया है, नहीं किया उसका डाटा हम लोग जाँच कर रहे हैं। ऑनलाइन शो नहीं हो रहा, लेकिन स्पेशल परमिट भी वहाँ बिहार का क्या स्थिति है वो वहाँ जाँच करके पता चलेगा कि क्या है। बाराबंकी जनपद के थाना राम स्नेही घाट इलाके से होकर गुजरने वाले अयोध्या लखनऊ राजमार्ग पर हुए हादसे में 18 लोगों की दुखद मौत हो गई है और दर्जनों गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री ने भी गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की है। सभी शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने का और घायलों सहित अन्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बाद आज प्रशासन हरकत में आया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो फिलहाल ये सोचने वाली बात है कि हम एक नंबर पर क्यों हैं? देश में हर साल तकरीबन 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। कोरोना के दरमियान जब हमने देखा कि कई लोगों की, कई हजार लोगों की हमारे देश में मौत हुई, तो हम लोगों ने उसके लिए तमाम सुरक्षा के नए नए इंतजाम किए। हमने तमाम कोशिशें की कि हम किस तरीके से इससे बच सकें, लेकिन जिस चीज से पूरा देश हर साल अपने यहां के 1.5 लाख नागरिकों को खो देता है, उस पर कोई बात क्यों नहीं? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतने ही संख्या में लोग बाकी देशों में भी अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि जब हमने आंकड़ों की तरफ नजर फिराई तो हमें इस बात
के इल्तिजा हुई कि हमारा देश सड़क दुर्घटनाओं के मामले में नंबर एक पर है। जिस पायदान पर जाने की हम कभी कोशिश भी ना करें ना सोचें, उस पायदान पर हम नंबर एक पर हैं। ये कितने शर्म की बात है, और ये कितनी, हम यहां पर शीर्ष पर बैठे हैं लेकिन ये शीर्ष की जो चोटी है वो शर्मनाक है। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इस पर कोई बात नहीं करता, इस पर कोई सवाल नहीं करता और सत्ता जवाब नहीं करती। ये कितना परेशान करने वाला वाक्या है कि देश में हर घंटे कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, लोग मौत का शिकार होते जा रहे हैं, लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं, और सियासत, सत्ता, समाज इस पर जरा भी संशय पैदा नहीं करती। कितना सोचने वाली बात है। हर साल देश में यूं ही लोग जान गंवाते हैं। कभी आपने गौर किया कि किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई भी लंबा कैंपेन सरकार की तरफ से चलाया गया, जबकि हम देखते हैं बाकी अन्य मुद्दों पर नाना प्रकार के कैंपेन्स चलाए जाते हैं। कभी आपने देखा कि सड़क परिवहन में जितने विज्ञापन इस बात को लेकर मिलते हैं कि फलानी सड़क बना दी गई, फलाना हाईवे बना दिया गया, इस बात को लेकर जितना सरकार चिंतित रहती है कि कितनी जल्दी हम इसको जनता के बीच पहुंचाएं, सरकार क्यों नहीं चिंतित होती कि इस बात को लेकर भी जनता को जागरूक किया जाए कि आप कैसे सड़क पर चलें। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि वो नासमझ, वो नक्कार और वो गैर इंसानी लोग जो सड़क पर सुरक्षा के नियमों, सड़क पर चलने के नियमों का जो पालन नहीं करते, लेकिन अगर सरकार जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगी, अगर सरकार कैंपेन चलाएगी, अगर सरकार वो हर चीज अपने एजेंडे में शामिल करेगी जिससे सड़क पर चलना आसान हो सकेगा, सड़क पर चलना सुरक्षा के लिहाज से और बेहतर हो सकेगा, तो इस बात पर मुझको पूर्ण विश्वास है कि ये गंवाती जाने और इन गंवाती जानों के पीछे भरे आंकड़ों की तस्वीरों में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या यहां है कि ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी के नाम पर तैनात पुलिसकर्मी ये नहीं कभी सोचते कि हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं। अगर एक बिना हेलमेट पहने व्यक्ति आ रहा है तो उनके नजर में सबसे पहले ये नजर आता है कि किस तरह इसको रोका जाए, ये कुछ गलत कर रहा है, किस तरीके से इससे चालान वसूला जाए। और अगर जरा सा भी मन फिरता है तो मन में ये आता है कि किस तरीके से इससे खुद की जेब का चालान लिया जाए, मसलन खुद की जेब भारी करी जाए। लेकिन कभी भी ट्रैफिक पुलिस के नुमाइंदों के मन में ये बात नहीं घर करती कि क्यों ना इसको हेलमेट उन्हीं पैसों से दे दिया जाए ताकि अगर कोई अनफॉर्चुनेट घटना घटती भी है तो इसकी कम से कम जान बच सके। कभी ऐसा उनके मन में ऐसा विचार नहीं आता, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो। ऐसे अगर कोई व्यक्ति सीट बेल्ट लगाए नहीं मिलता तो पुलिस वाले इसमें ज्यादा माहिर दिखते हैं कि कैसे उससे पैसा वसूला जाए, बल्कि इससे कि किस तरीके से उसको वहां पर उतनी ही देर रोककर उसको जागरूक किया जाए, उसको समझाया जाए, उसको तस्वीरें दिखाई जाएं, आंकड़े दिखाए जाएं, और उसको तमाम तस्वीरों से उसका तारुफ कर उसको समझाया जाए कि कितना खतरनाक है ये। और ऐसे ही जो लोग आदत से बाज नहीं आते, जिन लोगों की समस्या है कि वो नहीं मानेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो उनके लिए भी सरकार को कड़े नियम अपनाने चाहिए, सख्त से सख्त रवैया रखना चाहिए। और इसमें बिल्कुल भी हीला हवाली की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। बाराबंकी का एक मामला, ये घटना कल की है, मंगलवार रात का मामला है, लेकिन आज मैंने इस घटना को सिर्फ इसलिए उठाया है क्योंकि इससे पहले कानपुर में ऐसा मामला हुआ।
आज बाराबंकी में ऐसा मामला हुआ और बीच में जने कितने सैकड़ा मामले हो चुके हैं जो एक बाइक से हुए। एक बाइक सवार जा रहा था, सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इन मामलों को, इन जानकारियों को, इन इंफॉर्मेशन को खबरों में जगह नहीं मिल पाती। खबरों में जगह मिलती है तब जब संख्या ज्यादा हो। मुआवजे की फाइलों में आपका नाम तब अंकित होता है जब आपकी मौत हुई हो, ऐसी सड़क दुर्घटना में जिसमें आप अपने साथ प्लस में एक लंबी संख्या के लोगों को लेकर इस दुनिया से रुखसती ले चुके हैं। बल्कि एक दो तो हर घंटे की तस्वीरें हैं, लेकिन ये ना खबरों में जगह पाते हैं ना ही मुआवजे में जगह पाते हैं। और सरकार के लिए बहुत साधारण सी बात है, सरकार ऐसी घटनाओं को सुनती है और पहला जो उनके मन में विचार आता है वो ये है कि इस घटना पर मुआवजा बनता है तो कितना बनता है, और कितना बनता है तो कब तक देना है, और कब तक देना है तो कैसे देना है, और कैसे देना है तो क्यों देना है, और वक्त निकल जाए तो क्या ही देना है। ये सरकार की मंशा है, क्योंकि सरकार से लेकर नीचे तक आते आते पैसे का ऐसा बंदरबांट होता है कि जो पैसा अनाउंस होता है वो आते आते टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, मिडलमैन टैक्स, अधिकारी टैक्स, स्वघोषित टैक्स, वो आते आते 10-15% ही रह जाता है। ये तस्वीर है। तो अंत में मैं एक अर्जी भारत सरकार को पेश करना चाहता हूं। हाँ, मुझे मालूम है कि अर्जी बेकार जानी है, मेरी दरख्वास्त सुनने के बाद या तो अनसुनी की जानी है या चैनल बदल आगे बढ़ जाना है। मैं फिर भी अपना दिल हल्का कर लेना चाहता हूं, अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि आपकी बंद आंखों की बदौलत एक बार फिर बंडल में लोगों की मौत हो गई है, शायद अब तक कुछ और की भी मौत हो चुकी हो प्रोग्राम करे जाने तक। प्रधानमंत्री जी, आप क्योटा मत बनाओ, आप पेरिस की बात मत करो, आप साधारण सड़कें दे दो, आप जनता को नासमझ मान लो, और मान लो तो इतना मान लो कि आप प्लीज इस मामले को अपने हाथ में ले लो। आपकी बातों का असर होता है। आपकी सरकार आने के बाद आज बीच सड़क कचरा फेंकते लोग खौफ रखते हैं, तो क्यों ना आप सड़क हादसों को रोकने के लिए एक मुहिम चला दो, इसको एक अभियान में तब्दील कर दो। 2024 से पहले हमारे देश को सड़क हादसे के मामले में पहले नंबर के मार्क को आप घटा दो। हमें हादसों से होती मौत से बचा लो, क्योंकि किसी का बेटा, प्रधानमंत्री जी, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बाप और किसी की मां घर पर इंतजार में है। और प्रधानमंत्री जी, अगर मेरी अर्जी दाखिल हो जाती है तो मेरी तारीफ ये है कि मैं एक नए दौर का पत्रकार हूं। मुझको ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का मतलब सरकार या विपक्ष का पीआर या आलोचक बनना नहीं है, खबरों को इंफॉर्मेशन के तौर पर देना नहीं है। मेरा काम है सोशल इश्यूज को खबर में जगह देकर जनता को और आपको काम में आसानी मुहैया कराना। फिलहाल के लिए आज इतना ही, कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे भारत है 9 के एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।